एवरीवन वेलकम टू रिलेटिव लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आ गई जी प्रियंका और गरिमा की लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि आफ्टर द रोमांटिक मोमेंट के बाद ये दोनों माहिरा को मनाने लगते हैं और माहिरा भी इन दोनों के सामने नौटंकी करती है और पकड़ी जाती है। अब आगे रीमा माहिरा की तरफ देख के बोलती है, माहिरा के बच्चे रुक जा, तुझे तो मैं अभी देखता हूँ, बहुत मस्ती सोची है ना तुझे। ऐसे बोल के एक पिलो उठा के उसको मारने लगती है। इस बात से माहिरा एकदम उस भागती है, गरिमा आगे आगे माहिरा पीछे पीछे, और बेचारी प्रियंका इन दोनों के बीच में। माहिरा बोलती है, पापी बचा लो यार, बचा लो, इकलौती ना दो मैं आपके, प्लीज़ बचा लो। तो गरिमा बोलती, इकलौती और तो कब से हो गई? हाँ तो माहिरा बोलती है, अभी अभी जस्ट एक मिनट पहले, थोड़ी तो अभी के लिए होती हो ना, बचा लो, मार डालेगी। एक तो मैं इसकी इतनी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ, और ऊपर से देखो मुझे पिलो पिलो पकड़ के मारी है। ये सच सच बोल रही हूँ, अभी ये ना एकदम दुष्ट दुष्ट कपटी जानवर है, ऐसे अपनी छोटी बहन के साथ कोई वाला को ऐसा करता है क्या? तो प्रियंका बोलती है, अरे हाँ हाँ गरिमा मत करो यार, तुम्हारी इतनी हेल्प की है इसने, तुम सच में इसे कैसे कर सकती हो? तो गरिमा ये चीज़ सुन के प्रियंका की तरफ बोलती है, मैं दुष्ट कपटी हूँ ना, मैं पापी हूँ ना, अब तो तूने प्रियंका को भी अपने साइड ले रखी है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, रुक बोल के ऐसे बोल के ना वो एकदम से उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। तो माहिरा प्रियंका को बीच में लाती है और खड़ा कर देती है और उसके पीछे ही छुपने की कोशिश कर रही होती है। तो माहिरा को गरिमा बोलती है, माहिरा बाहर निकल, तो प्रियंका के पीछे क्यों छुप रही है? तो माहिरा बोलती, मुझे पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस यही है, यहीं बस मैं बच सकती हूँ, पूरी दुनिया से ज़्यादा यहीं पे आपको थोड़ी सी दहशत है, प्लीज़ प्रियंका बचा लो यार, बचा लो महिमा के गुस्से से, ऐसे बोल के उसके पीछे पीछे एकदम छुप रही होती है। तो माहिरा तो गरिमा के मुँह से निकल जाता है, अच्छा मैं प्रियंका से डरती हूँ, और ऐसा किसने बोला, मैं बिल्कुल नहीं डरती। तो माहिरा ये चीज़ सुन के बोलती है, हाँ प्रियंका देखो कैसे बोल रही है, तुमको नहीं डरती भाभी, ऐसे ऐसे दहशत आपको चला जाएगा तो देखो कहीं इधर उधर ना चली जाए। तो प्रियंका गुस्से में गरिमा की तरफ देखती है और बोलती है, अच्छा तुम मुझसे नहीं डरती? तो गरिमा बोलती है, क्यों डरूँ मैं तुमसे? तो गरिमा की तरफ प्रियंका एकदम तीखी नज़रों से देखती है और बोलती है, अच्छा तो तुम मुझसे नहीं डरती? तो ऐसे तीखी नज़रों से देखती कि गरिमा भी एकदम मतलब डर जाती है और बोलती है, मैंने ऐसा ऐसा कब कब बोला? तो प्रियंका बोलती है, सच सच बोलो, मुझसे नहीं डरती? तो माहिरा भी पीछे बोलती है, अरे मैंने अभी भी सुना, अभी किया, नहीं डरती तुमसे, देखो तुम्हारा डर अगर ख़त्म हो जाएगा ना तो तुम्हारी चीज के हाथों से ना निकल जाए। तो प्रियंका एकदम गरिमा की तरफ घूर के देखती, तो गरिमा एकदम उसका दिमाग खराब हो जाता है और मेरे की तरफ देखती है और बोलती है, तुझे बस मेरी ज़िंदगी में कलेश लगानी है कि बहन के दुश्मन, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। तो प्रियंका उसके सामने आ जाती है और बोलती है, तुम माहिरा को छूओगी भी नहीं, वो मेरे प्रोटेक्शन में, कितनी हिम्मत है, मैं भी देखती हूँ, आओ सामने। तो प्रियंका बोलती है, गरिमा तुम बोल रही हो तो मैं क्यों क्यों ही कुछ बोलूँगी, यू आर द बेस्ट, मैं डरती हूँ तुमसे, मैं वो बहुत बहुत ज़्यादा डरती हूँ, ये देखो मेरे तो जुबान भी खिला रहे यार, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो। तो ये देखे ना माहिरा बोलती है, अच्छा जी देखो अभी तो नहीं डर रही थी, सच बोलते हैं दुनिया से अच्छा ना हिम्मत वाला इंसान जोरों का गुलाम ही बन जाते, वो तो आप ही बन गई हो। तो गरिमा बोलते हैं, मैं नहीं हूँ जोरों का गुलाम। तो प्रियंका फिर से घूर के देखती है तो बोलती है, हाँ डरती हूँ तो क्या हुआ उसमें मैं बात मानती हूँ प्रियंका कि इसका 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 मतलब थोड़ी ना मैं चोर का गुलाम हूँ। तो प्रियंका उसको ऐसे देख के ना मतलब ऐसा डरता हुआ देख के वो जोर जोर से हंसने लगती है। तो माहिरा भी प्रियंका की तरफ देखती है और गरिमा भी देखती है। तो गरिमा बोलती है, अब हंस क्यों रही हो? तो प्रियंका बोलती है, इतना मत डरो, और तुम्हें माहिरा ऐसे बोल के उसका कान पकड़ती है और बोलती है, तुम जानबूझ के ये कर रही थी ना, बट मैं गरिमा के ऊपर बिल्कुल गुस्सा नहीं, उसको मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों इक्वल है ना, तो हम दोनों का राइट भी इक्वल ही रहेगा। तो माहिरा बोलती है, देख लो भाभी गांठ बांध के रखो, इक्वल उक्वल चक्कर में इसको सर पे ना चढ़ा देना। तो गरिमा बोलती है, माहिरा के बच्चे थे तो मैं सर फोड़ दूंगा। तो माहिरा बोलती है, अच्छा इतनी हिम्मत है तो आओ प्रियंका के पास मेरा सर फोड़ने। तो गरिमा बोलती है, घर तो तुमको जाना ही है ना बेटा। तो प्रियंका की तो गरिमा के पास सुन के बोलती है, अरे हाँ अरे मैंने तो बोलना भूल गया, मौसी मौसी ने बोला कि जल्दी जल्दी से लेके आओ प्रियंका को, सब गरिमा को चलो अब चलते हैं, ऐसे बोल के वो जाने लगते हैं। तो प्रियंका बोलती है, चले जा रही हो? तो मैंने बोलते, हाँ हम जाएंगे, अब थोड़ी ना मेरी बहन अपने ससुराल में कुंडी मार के बैठी रहेगी, है ना गरिमा, चल मम्मी बुला रही थी देखो तुम्हारी। तो गरिमा बोलते, हाँ चल यार, वैसे बहुत देर हो गई है। तो उसको जाते हुए ना प्रियंका को एक सैडनेस होता है,
और वो उसको देखने लगती है, बट गरिमा उसको नहीं देख रही होती है और वो बाहर निकलने लगती है। तभी प्रियंका उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मत जाओ ना। तो उसके ऐसे सैडनेस वाला फेस देख के ना गरिमा को भी जाने का मन नहीं करता, बट जाना भी ज़रूरी होता है। वो प्रियंका को एक टाइट हग देती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है जल्दी आ जाओगे ना बेबी, प्लीज़ जाने दो, मम्मी नहीं तो मेरा कचुम्बर बना देगी। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका हंसती है और एक चोर का मुक्का उसके सीने में मारती है, बोलते जाओ। तो गरिमा बोलते ओच यार ऐसे कौन जाओ बोलता है। तो प्रियंका उसको टाइटली हग करती है और उसके लिप से एक तरह से शॉर्ट वाला किस करती है और बोलती है अब जाओ भी। तो गरिमा बोलती है तुम फूलोगे तो मैं रुक जाती हूँ, ऐसे मजाक खुद आ रहा था तुम्हारे साथ, ऐसे उसको चिढ़ाने वाले वे भी बोलती है। तो प्रियंका वो एकदम घूर के देखती है और तो गरिमा के पीछे से मायरा एकदम हंस रही होती है इन दोनों को ऐसा करते हुए देख के। और फिर जैसे ही प्रियंका की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो मायरा बोलती है आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बाहर जा रही हूँ। नहीं 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 मैं बाहर क्या जा रही हूँ यार, अब तुम दोनों फिर से अंदर कैद हो के, वो आना और के लिए तुम्हें क्या क्या आंटियों को क्या जवाब दूंगी। नहीं 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 गरिमा तुमको जाना पड़ेगा, चलो मेरे साथ, ऐसे बोल के ना उसका हाथ खींचते हुए ले जाती है। गरिमा का हाथ प्रियंका के हाथ से छूट जाता है और दोनों भी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। गरिमा एकदम ना चाहते हुए अपने घर में ना एकदम जाती है तो गरिमा की मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है महारानी लोग आप लोगों का टाइम हो गया घर आने का। तो गरिमा बोलती है यार मम्मी ऐसे तुम मत बोलो। तो गरिमा बोलती है क्यों ना प्रियंका घर रहे नहीं गए, तुम दूसरों के घर जाता है तो बेटा को इतने देर रहता है क्या, वो लोग भी क्या सोचेंगे, उनको काम धंधा नहीं है क्या। तो गरिमा बोलती है सॉरी मम्मी आइंदा से नहीं होएगा। तो मायरा पीछे से बोलती है कि मतलब गरिमा के कान पे बोलती है, इतना स्लोली बोलती है कि गरिमा की मम्मी को पता नहीं चलता, बोलती है मम्मी अरे आंटी आपको क्या पता ऐसा तब हर रोज़ होएगा है ना बोल के ऐसे चिढ़ा रही होती। तो गरिमा मायरा को एकदम चुपचाप से देखती है, मतलब घूर के देखती है। तो मायरा पीछे से बोलने लगती है अरे आंटी दोस्तों में बातचीत तो होती रहती है और मेरी तो नई नई दोस्त नहीं इसीलिए मैंने उसको रुका दिया। तो गरिमा की मम्मी बोलती है ठीक है जल्दी से फ्रेश हो जाओ खाने चले आओ। तो गरिमा बोलती है मम्मी भूख नहीं है मुझे। तो मेरे बोलती मुझे तो बहुत भूख है, इसको भूख नहीं है तो क्या और मेरे लिए खाना लगाओ, ऐसे बोल के ना एकदम जाती है डाइनिंग टेबल पे बिना हाथ मुँह धोए बैठ जाती। तो आंटी बोलती है कि मायरा मैंने भूल रही हो कि हाथ पैर धो के और फिर से खाना। तो मायरा बोलती क्या यार मौसी खाने दो ना, बहुत भूख लगी है और मुझे नींद भी बहुत आ रही है, मुझे इतना सोना है कि मुझे कल सुबह तक नहीं उठना है। तो मायरा के पास उनके गरिमा की मम्मी बोलते क्यों रात भर सोई नहीं क्या। तो ये बात जैसे ही सुनती है ना गरिमा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मायरा भी बहुत ज़्यादा घबराई जाती है। तो मायरा मायरा को बात संभालते हुए बोलती मैं एकदम घबरा जाती है, बोलते मैंने कब बोला मैं नहीं नहीं सुई, मैं बहुत सुई हूँ बट ट्रैवल किया ना ट्रैवल इस वजह से मुझे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझसे है ना गरिमा। तो गरिमा भी बोलती है अरे मम्मी हाँ मुझे 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 भी बहुत नींद आ रही है, दोनों दोनों को ही नींद आ रही है। तो गरिमा की मम्मी बोलती है बेटा तो ट्रैवल किया ही है ना, दो दिन तो आप लोगों को नींद आई नहीं और आज अचानक से ऐसी तुरंत सी नींद आ रही है, बात क्या है हाँ सच सच बताओ। तो गरिमा और मायरा दोनों एक दूसरे को देखते रहते और बोलते क्या क्या बोले अब क्या बोले। तो दोनों एक साथ बोलते अरे भूख लगी है मम्मी। तो मायरा बोलते भूख लगी है मुझे जल्दी खाना दो ना। तो गरिमा की मम्मी दोनों को घूर के देखते और बोलते जब तक तुम दोनों हाथ पैर ना धो ना तब तक तुमको खाना नहीं मिलेगा, जाओ जल्दी धो के आओ, ऐसे बोल के इन दोनों को भगा देते। तो इन दोनों चैन के सांस लेते और बोलते यार बच गई तुम्हारे, बोलते सब तुम्हारी वजह से ऐसा कौन करता है। तो गरिमा बोलती यार मेरी बहन हो ना समझो मेरी फीलिंग मेरी भावनाओं को समझो यार। तो मायरा बोलती बहुत समझ लिया, अब मेरे को समझाने की कोशिश की ना तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझूंगी, समझी ना वैसे ही मुझे भूख लग रही है हटो परे हटो, ऐसे बोल के वॉश बेसिन की तरफ जाती है हाथ धोती है और दोनों टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं। तो ऐसे ही रात हो जाती है और गरिमा को बहुत याद आ रही होती है प्रियंका की और मतलब उसको मिलने का भी मन करता है। तो वो मायरा को बोलती है कि यार बहन आ जाने देना। तो मायरा बोलती है खबरदार सोचना भी मत मिलने की, तुमको जो बात करनी है ना फ़ोन में करो वीडियो कॉल में करो और मुझे आज रात जगाने की कोशिश की ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मायरा की बात सुन के गरिमा को तो दिल ही टूट जाता है, वो फ़ोन की तरफ देखती है और गरिमा प्रियंका को मैसेज करती है जाग रही हो क्या। तो गरिमा का मैसेज देखती है प्रियंका बोलती है हाँ जाग रही हो तुम कब तक आ रही हो। तो गरिमा बोलती है सॉरी यार मायरा सो गई है।
तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका बोलती तो नहीं आ रही हो, तो गरिमा बोलती है यार समझो ना, वो कल से नहीं सोई है, ऐसे इतना भी तो नहीं परेशान कर सकती ना मैं उसको। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका बोलती है इट्स ओके, एकदम दुखी होकर तो बोलती है, तो गरिमा बोलती है वैसे वीडियो कॉल भी आओ ना। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका एकदम खुश हो जाती है, दोनों वीडियो कॉल करते हैं और पूरी रात मतलब 1-2-3 बजे तक दोनों वीडियो कॉल में ना मीठी मीठी बातें कर रहे होते, एक दूसरे को देख रहे होते, बहुत अच्छा वाला सीन होता है। अगले दिन मतलब सुबह मतलब माहिरा तो उठ जाती है अपने टाइम से, बट गरिमा उठती ही नहीं है, 8 बजे तक सोई होती है, क्योंकि यार 3-4 बजे कोई सोए तो 8 बजे उठना भी बहुत बड़ी बात होती है। मुझसे पूछो यार जो जगते हैं रात भर, उनसे पूछो कि सुबह उठना कितना मुश्किल होता है, और ना उठो तो मम्मी से कैसे गाली मिलती है, मेरी फीलिंग्स के साथ लोगों की वाइफ मैच करेगी। तो वही सेम होती है, तो गरिमा की मम्मी एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एकदम वो आती है और डायरेक्ट एक ग्लास पानी ना गरिमा के फेस पे ना एकदम उधेड़ देती है। तो गरिमा एकदम वो उठ जाती है हड़बड़ा के और बोलती है क्या यार मम्मी सोने भी नहीं देती है क्या मुझे सोना दोनों। तो गरिमा की मम्मी बोलते हैं बेटा जी सूरज ना सर पे चढ़ गई है, छोटे छोटे बच्चे देखो खेल रहे कूद रहे, बट नहीं आपको सोना है, हो क्या गया है गरिमा इतनी आलसी क्यों हो रही है आजकल। तो गरिमा बोलती है यार मम्मी सुबह सुबह मत सुनाओ। तो गरिमा बोलती है तो गरिमा की मम्मी बोलती है बेटा जी तो सुबह सुबह ना ऐसे गालियाँ खाने वाली हरकतें मत करो। तो गरिमा उनकी बात सुन के उठती है और मतलब उठ के बैठ जाती है और फ़ोन की तरफ देखने लगती है, फ़ोन उठा के देखने लगती है जस्ट लाइक एवरीवन, खास करके मैं उठते ही फ़ोन पकड़ना मेरा फेवरेट काम होता है जो। तो गरिमा भी सेम चीज़ करती है, तो गरिमा की मम्मी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है जब देखो फ़ोन फ़ोन फ़ोन, हो क्या गया है गरिमा, पहले तो इतना फ़ोन में नहीं लगी रहती थी, पढ़ाई करती थी, ये करती थी, खेलने जाती थी, गेम खेलती थी, अब बट अब क्या हो गया कि तुम्हारा किसी के साथ कुछ चल तो नहीं रहा है। तो ये बात सुन के ना गरिमा एकदम घबरा जाती है और बोलती है मम्मी मैं तो गरिमा की मम्मी बोलती है क्या मैं उठो जल्दी से हमको मंदिर जाना है आज, घूमने जाना है। तो गरिमा बोलती है मुझे नहीं जाना मम्मी। तो गरिमा बोलती है तुमको शर्म वरम है, जब तुम मुंबई गई थी तो माहिरा के पेरेंट्स कैसे तुमको पूरे मुंबई घुमाए और तुम उसको थोड़ा सा भी नहीं घुमाओगे, एटलीस्ट यार मंदिर से तो ले आओ, आज कितना अच्छा दिन है, जाओ मतलब निकलो, वैसे भी हम सब जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगे तो घर में अकेले रहना है क्या। तो गरिमा को एकदम खुश हो जाती है अकेले रहने वाली बात से। तो गरिमा बोलती है हाँ मम्मी मुझे अकेले रहना प्लीज़, मुझे मंदिर नहीं जाना है। तो गरिमा की मम्मी बोलती है ठीक है मत जाओ बट फ्रेश हो जाओ उठो जल्दी से, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो माहिरा बाहर एकदम वो डाइनिंग टेबल पे मस्त बैठ के ठूस रही होती है, तो गरिमा की मम्मी आती है और बोलती है बेटा आज हमें मंदिर जाना है और प्रियंका की फैमिली भी जा रही है। तो माहिरा ये सुन के एकदम खुश हो जाती है और बोलती है बस मंदिर क्या आंटी, मुझे बाहर भी घूमना है, कुछ तो घुमाओ। तो गरिमा की मम्मी बोलती है ठीक है बेटा तुम लिस्ट बनाओ अच्छी अच्छी जगह गूगल करके, हम आज पूरे दिन वहीं जाएंगे, और मैं प्रियंका की फैमिली को भी बोल देती हूँ कि आज पूरे दिन हम बाहर रहेंगे, बाहर ही खाएंगे, और मैं जा रही हूँ गरिमा के लिए खाना बनाने। तो मायरा बोलती है क्या गरिमा के लिए खाना बनाने, तो गरिमा तो मायरा के पास सुन के गरिमा की मम्मी बोलती है अरे हाँ उसका मन नहीं है, बोल रही है उसकी तबीयत सही नहीं है तो वो घर में रहेगी। तो ये चीज़ सुन के ना एकदम मायरा शॉक हो जाती है, प्रियंका जा रही है घूमने और गरिमा नहीं जा रही है, ये बात सुन के एकदम शॉक हो जाती है और वो तुरंत से गरिमा के रूम में चली जाती है और बोलती है वो बहन घर में रहने का प्लान है तेरा, घूमने नहीं जाओगे। तो गरिमा बोलती है मुझे नहीं जाना यार तुम लोग जाओ। तो मायरा बोलती है यार तुम तो बड़ी स्ट्रेंज बात कर रही हो। तो गरिमा बोलती है क्या हो गया, तो बोलती है यार प्रियंका जा रही है घूमने और तू नहीं जा रही है। तो गरिमा बोलती है क्या प्रियंका जा रही है बट मम्मी ने तो बोला तुम जा रही हो और वो जा रहे है। तो गरिमा के बाद सुन के मायरा बोलती अच्छा बेटा तो मतलब मैं जा रही हूँ तो मेरे साथ नहीं घूमना है और प्रियंका जाएगी तो उसके साथ घूमना है, मैं भी देखती हूँ तुम नहीं जा रही हो ना तो मुझे मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगी, मैं तो आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ चिपक चिपक के फोटो उठाऊंगी और तुमको भेजूंगी देखना। तो ऐसे बोल के वो रूम से बाहर जाने लगती है। तो गरिमा बोलती क्या प्रियंका सच में जा रही है, तो मायरा बोलती हाँ जी सच में जा रही है और हम तो आज पूरा दिन बाहर घूमने वाले हैं, देखना तुम तो घरे सड़े सड़े ना पड़ी रहो तुम घर पे, ऐसे बोल के वो रूम का डोर लॉक करके ना बाहर निकल जाती है। तो गरिमा एकदम उसको ना पछतावा होता है उसके बाद का, वो प्रियंका को तुरंत से फ़ोन करके बोलती है कि तुम लोग आज मेरी फैमिली के साथ मिलकर घूमने जा रहे हो। तो प्रियंका बोलती है हाँ जी हम घूमने जा रहे हम मंदिर भी जा रहे, तुम जा रही हो ना। तो गरिमा बोलती है यार मैंने तो मम्मी को मना कर दिया अब क्या बोलूँ। तो प्रियंका बोलती क्या बेवकूफ़ हो क्या। तो गरिमा बोलती है मुझे कहाँ पता था तुम जा रही हो बोल के, मुझे अगर पहले
पहले से पता होता तुम जा रही हो तो मैं पहले ही हाँ बोल देती ना। तो प्रियंका बोलती, अब तो मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम जैसे भी करके मम्मी को मनाओ, और मुझे नहीं पता आज पूरा दिन बाहर प्लान है, तुमको नहीं पता क्या? तो गरिमा बोलती है, नहीं पता यार। तो प्रियंका बोलती थी, कर क्या रही थी? तो ये बोलती सो रही थी। तो प्रियंका बोलती है, बस नींद नींद नींद, इसके अलावा कुछ आता है? तो गरिमा बोलती है, हाँ जी आता है आपको प्यार करना। तो प्रियंका बोलती है, कोई फिल्मी बातें करवा लो इनसे बस, और कुछ नहीं होता इनसे, जाओ अब मनाओ आंटी को। तो ऐसे बोल के प्रियंका कॉल काट देती है। तो गरिमा को अब समझ नहीं आता कि वो आंटी को क्या बोल के अब मनाए। वो जल्दी जल्दी से फ्रेश हो जाती है, नहा लेती है और अपने रूम से बाहर निकल के डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। तो आंटी तुरंत से उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। तो गरिमा बोलती है मम्मी को, मम्मी वो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बुरा लगेगा ना, मैं नहीं चाहूँगी तो आप लोगों के साथ घूमने, तो मैं क्या सोच रही थी कि। तो गरिमा की मम्मी बोलती है, बेटे जी कोई नहीं, इट्स ओके, सबका अपना अपना मन होता है, और मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत होगी तो कॉल कर लेना हम लोगों को। तो मायरा बोलती है, यार कि क्या वापस हो गया मेरे से, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा, नहीं मम्मी मुझे घूमने जाना है, ऐसे बोल के बोलने वाली होती तो उसकी मम्मी वहाँ से चली जाती है। तो गरिमा को समझ नहीं आता क्या करे कैसे करे, तो वो मायरा की तरफ देखती है। तो मायरा बोलती है कि अब तुम मुझे मत देख हर चीज़ पे, मैं तुमको बचाने नहीं आऊँगी, ठीक है ना, अपना सियापस खुद संभालो यार, मैं तो चाहूँगी आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ चिपे चिपे के फ़ोटो उठा के, भाभी हुई तो क्या हुआ हो यार, हुई तो नहीं है ना, गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी समझ तो मैं कर ही सकती हूँ। तो गरिमा बोलती है, शर्म कर नालायक, शर्म करो, होने वाली भाभी है तेरी। तो गर्लफ्रेंड तो मायरा बोलती है, भाभी है ना, इसीलिए तो छेड़खानी करना बनता है, इकलौती ननन हूँ भाई जिनको पता है। तो गरिमा बोलती है, इकलौती इकलौती का क्या लगा रखा है, छोटे भी है पता है ना। तो मायरा बोलती है, छोटी है बट छोटी को थोड़ी ना पता है वो उसकी भाभी है, बोल के जिनको पता है वो तो इकलौती ही अभी के लिए है ना। तो मायरा को देखते हुए गरिमा बोलती है, बस मेरी माँ बस बहुत हो गया, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उतनी देर पर गरिमा की छोटी बहन आ जाती है डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए। तो वो इन दोनों को ऐसे प्लीज़ प्लीज़ करते, गरिमा की छोटी बहन इतनी भी छोटी नहीं होती है, वो 8 स्टैंडर्ड में होती है, और ना मतलब दुनियादारी के बारे में उसको कुछ ज़्यादा ही पता होता है। तो इन दोनों को ऐसे देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ थी, अब लोग इतने क्या शहरों शहरों में बातें कर रहे। तो गरिमा उसकी तरफ देखती है यार, बोलती है कि मैं घर पर रुकने वाली हूँ। तो उसकी फिर छोटी बहन का नाम होता है शिया, तो शिया बोलती है कि तो घर पर रुकने वाली हो तो इतना क्या दुखी हो रही हो, मैं भी रुक जाती हूँ आपके साथ, दोनों मिलकर गेम खेलेंगे, बहुत सारा इन्जॉय करेंगे, और हम शॉपिंग पे भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बोल के उसको बोलने लगती है। तो वो गरिमा उसको क्या बोले यार कि वो रुकना नहीं चाहती या क्या, और वो एकदम नाचारी वाले हालत से ना वो मायरा की तरफ देखने लगती है। तो मायरा उसको बोलती है ना श्रेया को कि तुम्हारी बहन घर पे रुकना नहीं चाहती, उससे गलती से उसके मुंह से निकल गया कि मैं घर से रुक गई हूँ, तो बहन को चक्कर चला तो हम तुम्हारी बड़ी वाली बहन को हम लेके चल सके। तो सिया बोलती है यार दी क्या आप आंटियों के साथ मंदिर वंदिर बीच बीच घूमने जाना है, हम चलो ना हम तीनों अकेले से जाते हैं। तो गरिमा बोलती है यार मुझे जाना है घूमने। तो सिया बोलती है तुम मना फिर क्यों किया। तो गरिमा बोलती है कि पता नहीं यार मैंने मना क्यों किया, मुझे तब थोड़ी ना पता था कि प्रियंका विषारी है। तो गरिमा बोलती क्या, तो गरिमा बोलती कुछ नहीं मुझे जाना है मम्मी के साथ ही जाना है, प्लीज़ मम्मी को मनाओ ना मेरे लिए। तो उसकी मम्मी तब वहाँ पे सिया को खाना देने आती है। तो वो बोलती है मम्मी आज हम घूमने जाने वाले हैं। तो उसकी मम्मी बोलती हाँ बेटा हम घूमने जाने वाले हैं, आज हम एक मिनी टूर पर जा रहे हैं, शहर से बाहर वाले मंदिर जाएंगे, देन बीच जाएंगे, देन एक अच्छे से रेस्टोरेंट जाएंगे, खाना वीना खाएंगे और सी बीच में बैठ के आ जाएंगे। तो ये चीज़ सुन के ना फिर गरिमा के दिल में मतलब एक रोमांटिक रोमांटिक सा ख्याल आता है कि यार मैं फिर पहली बार प्रियंका के साथ जाने वाली हूँ मंदिर, फिर सी बीच में उसके हाथों में हाथ पकड़ के बैठूंगी, ये वाला सीन मैं मौका नहीं खो सकती, बिल्कुल नहीं खो सकती। तो उधर से सिया बोलती है तो दी को क्यों लेके नहीं जा रहे हो। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हारी दी को खुद ही से नहीं जाना अब हम क्या करें। तो गरिमा बोलती है नहीं नहीं मम्मी मुझे जाना है जाना है। तो उसकी मम्मी बोलती है क्यों अब तो नहीं जाना था अब फिर क्यों जाना है। तो गरिमा की मम्मी बोलती है मैंने तुम्हारे लिए खाना बना लिया चुपचाप घर पर रहो रेस्ट करो वैसे भी तुम्हारी बॉडी हीट लग रही है। तो गरिमा बोलती है अरे नहीं नहीं मम्मी मेरी मेरी बॉडी एकदम एकदम ठीक है मुझे प्लीज़ अपने साथ लेके जाओ। तो गरिमा की बात सुन के बोलती है उसकी मम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तो बोली तो मना कर रही हूँ अब मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया वो खाना वेस्ट नहीं हो जाएगा। तो गरिमा बोलती है अरे मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है
वो खाना मुझे दे दो प्लीज़, मैं अभी खा लेती हूँ और फिर मैं आपके आप लोगों के साथ चली जाऊँगी, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो गरिमा की मम्मी उसकी ऐसी हरकतें देख के बोलती है, गरिमा तुमको हो क्या गया आजकल, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो एकदम स्ट्रेस। तो गरिमा अपनी मम्मी को हक करती है और बोलती है, मम्मी मैं आपको मिस करूँगी ना पूरे दिन, इसलिए मुझे आपके साथ जाना, प्लीज़ ले चलो ना, आपको तो पता है ना मुझे मंदिर जाना कितना 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 ज़्यादा पसंद है। तो ये सारी चीज़ें देख के ना मायरा एकदम हंस रही होती है, बोलती देखो मक्खन लगाना स्टार्ट हो गया, मंदिर जाना पसंद है। अरे दी एटलीस्ट भगवान से तो डरो, कितना झूठ बोलती हो, ऐसे बोल के ना यहाँ पे घूर के देख रही होती है। और यहाँ पे गरिमा एकदम अपनी मम्मी को ना मक्खन लगा रही होती है, गरिमा की मम्मी भी मान जाती है। और जैसे ही मानती है ना, गरिमा तुरंत से प्रियंका को मैसेज करती है और बोलती है रेडी फॉर फन। तो प्रियंका उसको मैसेज करती है क्या, तो गरिमा बोलती है नथिंग, ऐसे बोल के ना अपना कॉल रख देती। और गरिमा के दिमाग में बहुत सारा खुराफाती खुराफाती आइडिया चल रहा होता है, यानी कि रोमांटिक रोमांटिक आइडिया चल रहा होता है कि दोनों पहली बार मंदिर जाएंगे साथ, उसके बाद पूरे दिन साथ में। एटलीस्ट यार मतलब होता नहीं है क्या, मतलब पहला पहला प्यार हो तो मतलब टीनेज टाइम में अलग अलग सी रोमांटिक टाइप बात उनके दिमाग में चल रही होती है, जैसे कि हाथों में हाथ पकड़े मंदिर की सीढ़ियों में चलना, एक साथ पूजा करना, फिर एक साथ घूमना। और स्पेशली गरिमा के मन में ना अलग अलग सी फीलिंग्स चल रही होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है पूरे फैमिली के साथ। वो भी गरिमा धीरे धीरे दिल में सोच रही होती है कि प्रियंका क्या पहन रही है आज, और ऐसे करके ना उसको एक टेस्ट कर देती है। तो प्रियंका बोलती है कि क्या पहनूंगी, मेरी वही पिंक वाले में सूट डाल रही हूँ। तो गरिमा ये बात सुन के ना थोड़ी सी दुखी हो जाती है, बोलती है यार इसको पिंक ही क्यों पहनना होता है, और उसको मैसेज करती है कि तुम पिंक ही क्यों पहनना है, तुमको कोई और कलर पहन लो ना। तो गरिमा की बात सुन के प्रियंका उसको टेक्स्ट रिप्लाई देती है, बोलती है तुमको प्रॉब्लम क्या है पिंक से यार, मुझे पसंद है। तो गरिमा बोलती है प्लीज कोई और कलर पहन लो। तो गरिमा उनकी बात सुन के प्रियंका बोलती है क्यों क्या। तो गरिमा बोलती है मुझे तुम्हारे साथ मैचिंग मैचिंग पहनना है ना। तो गरिमा बोलती है तो तुम पिंक पहन लो। तो गरिमा बोलती है नहीं यार मुझे पिंक नहीं पहनना। तो गरिमा बोलती है अब देखो तुमको मेरे साथ मैचिंग करनी है तो तुमको पिंक पहनना ही पड़ेगा, ऐसे बोल के ना वो उसको रिप्लाई नहीं देती। तो प्रियंका को गरिमा बोल रही होती है प्लीज प्लीज यार येलो पहन लो, ग्रीन पहन लो, ब्लू पहन लो, कुछ तो पहन लो यार, बट मुझे पिंक नहीं पहनना। तो गरिमा की बात सारी की सारी प्रियंका देखती तो है बट उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। तो गरिमा की बेचारी गरिमा के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है पिंक पहनने के अलावा। एकदम बहुत ज़्यादा दुखी होकर सड़ी हुई से शकल करके बेमन से वो लंच कर रही होती है। मायरा उसके तरफ ऐसे देखती है और बोलती है कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो झगड़ा हो गया क्या फिर इन दोनों के बीच में यार, एक पल में इनके पास प्यार वाला मोमेंट और एक पल झगड़ा, कि लव में ऐसे होता है। अच्छा हो भाई मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो फ्लर्ट करके ही खुश हूँ। तो गरिमा की ऐसे उतरी हुई शक्ल देख के ना उसकी जो छोटी बहन होती है ना वो बोलती क्या हुआ थी सैड क्यों हो। तो गरिमा उसको तरफ देखती है बट उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। तो मायरा गरिमा को हिलाते हुए बोलती तुमको कुछ पूछ रही है सिया। तो गरिमा बोलती हाँ हाँ क्या। तो सिया बोलती आप सैड क्यों हो। तो गरिमा बोलती वो मुझे मैं सेट क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ सेट, वो मुझे पिंक पहनना है। तो ये जैसे बोलती है ना गरिमा, सिया एकदम शौक होके गरिमा की तरफ देख रही होती है और माहिरा भी शौक होके एकदम गरिमा की तरफ देख रही होती है, क्योंकि गरिमा को पिंक कलर बिल्कुल पसंद नहीं होता है और जहाँ कि पिंक प्रियंका का फेवरेट कलर होता है। तो दोनों एक साथ बोलते क्या क्या। हाँ तो गरिमा बोलती है क्या क्या। तो सिया बोलती थी आप ठीक हो, तबीयत ठीक है, ऐसे अपने सीट से उठ के आती है और उसको चेक करती है। तो गरिमा बोलती है ये क्या कर रही है। तो गरिमा की तरफ देखते हुए बोलती है आपकी तबीयत ठीक है ना, आप ठीक हो ना, आपको सीरियसली पिंक पहनना है। तो सिया ऐसे बोलती है। तो गरिमा बोलती है हाँ मुझे पिंक पहनना है, इस इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो गरिमा की तरफ माहिरा भी उठ के आती है, बोलती बहन सच बोल, तेरा किसी ने सोते टाइम दिमाग में आके मार तो नहीं दिया, कहीं कहीं मौसी ने सुबह उठाते टाइम तेरे को बेलन वेलन से तो नहीं मारा। तो गरिमा इन दोनों को एकदम गुस्से में देखती है और बोलती है क्या ऐसे क्या बोल रहे हो तुम लोगों को, और पिंक पहनने में क्या खराबी है, कितना प्यारा कलर होता है, कितना क्यूट कलर होता है पिंक, मुझे 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 पहनना है पिंक, ऐसे बोल के दोनों की तरफ देखती है। तो तभी आंटी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है क्या क्या हुआ तुम तीनों ऐसे क्यों एक साथ एकदम इसको घूर के देख रही हो। तो सिया बोलती है मम्मी दी को पिंक पहनना है। तो गरिमा की मम्मी बोलती है हाँ तो पहनने दो। तो सिया बोलती है मम्मी दी को पिंक पहनना है, पिंक कलर का। तो गरिमा की मम्मी भी शौक हो जाती है और बोलती है
क्या तुमको पिंक पहनना है सच में? और एकदम वो बहुत खुश हो जाती है, तुमको पिंक पहनना है ना, तो मैं जो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे बर्थडे पे पिंक वाला सूट खरीदी थी ना, तुमने एक बार भी नहीं छुआ है वो पहनो। हे भगवान, आपने मेरी बेटी को तो सुधार दिया, इसको कम से कम फाइनली लड़कियों वाली चीज़ पसंद तो आने लगे। भगवान शुक्र है, अच्छा हुआ तुमको मंदिर जाने के लिए मैंने हाँ बोला, ये तो मुझे कैसे पता चलता है कि मेरी बेटी की चॉइसेस बदल रही है। ऐसे बोल के उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है और किचन की तरफ चली जाती है। तो गरिमा एकदम मायरा और सिया के बीच में ऐसे मतलब बैठी हुई होती है और दोनों इसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो गरिमा बोलते हैं, क्या ऐसे क्या देख रही हो? देखा मम्मी भी चाहती है मैं पिंक पहनूं, इसलिए मुझे पिंक पहनना है। तो सिया बोलते, दी सच सच बोलो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है? कहीं आपको किसी से प्यार तो नहीं हो गया? ये सुन के ना जो पानी पी रही होती है गरिमा, वो एकदम उसके मुंह से निकल जाता है और एकदम खांसने लगती है। तो सिया उसको ऐसे रिलैक्स करती है और बोलते, रिलैक्स रिलैक्स, क्या हो गया आपको? सच सच बोलो, आपको कहीं प्यार प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? कहीं आपके लाइफ में कोई कोई लड़का तो नहीं आ गया? तो गरिमा बोलती, पागल हो क्या, मेरे लाइफ में कौन लड़का आएगा? तो धीरे से मायरा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, मतलब खुद ही से बोलती है, तो लड़का नहीं बेटा जी, आप किसके लाइफ में तो लड़की आई है, यानी कि आपके जीजू ने भाई आए, जीजू ने भाभी आए आपके लाइफ में। ऐसे बोल के वो गरिमा की तरफ हंसते हुए देखती है और आंखों आंखों में पूछती है, बोलती, माजरा क्या है? हाँ, तो गरिमा उसको बोलती, कुछ नहीं। तो हसिया बोलती है, दी सच सच बोलो, सच्ची बोलो ना, आपको प्यार हो गया क्या? तो गरिमा बोलती, यार हसिया यार तुम एक तंग ना कर, तू जा रेडी हो, मैं जा रही हूँ, मैं तैयार हूँ। ऐसे बोल के उन दोनों के बीच में से हटके जाती है और वो अपने वार्डरोब खोलती है, तो उसके वार्डरोब में एक भी पिंक कलर नहीं होता। जो लास्ट बर्थडे पे उसकी मम्मी लाई होती है सूट, एकदम जो होता है शरारा सूट, बस वही होता है। और गरिमा की फिगर भी अच्छी खासी मस्त होती है। तो उसके पीछे पीछे ना माहिरा भी उसके रूम में चली आती है और सिया भी चली आती है। तो सिया बोलती, दी पक्का आप ये पहनोगी? तो गरिमा बोलती, हाँ पहनूंगी, क्या दिक्कत है इसमें? तो सिया उसको देखती है, पक्का? तो गरिमा बोलती, हाँ पक्का, मुझे तैयार होने दो, तुझे तैयार नहीं होना क्या तुझा? तो सिया बोलती, दी सच में आपको ना सदमा लग गया, किसी ने सर पे मार दिया, मुझे भी अब ऐसा लग रहा है ना मायरा दी? तो गरिमा, तो मायरा बोलती, हाँ लग तो रहा है मुझे, बट मुझे लगता है किसी और का सदमा लगा है इसको आज। तो मायरा की तरफ सिया देखी, बोलती है, मुझे सच सच बोलो दी, आपको कुछ पता है क्या क्यों ये ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं? तो मायरा बोलती है, हाँ मुझे पता है। तो गरिमा उसकी तरफ एकदम घूर के देखते और बोलते, प्लीज मत बोल कुछ भी। तो मायरा बोलती, हाँ मुझे पता है, कभी कभी लाइफ में चेंज होना भी जरूरी है ना गरिमा, इसलिए तू चेंज अपने लाइफ में चाह रही है, इसीलिए तुझे पिंक पहनना है। तो गरिमा बोलती, हाँ हाँ अब तू छोटी, तू जाना यार यहाँ से, मुझे तैयार होने दे, मेरे तो मेरे को हेल्प करना तैयार होने में, मेरे को सूट पहन के तैयार होना इतना नहीं पता यार, प्लीज़ हेल्प कर दे। तो सिया देखी ये सच में शौक हो जाती है और वो अपने माथे में हाथ रखती है और बैठ जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता, उसके मतलब अपनी जो उसकी जो बहन हमेशा जींस टी शर्ट ज़्यादा पहनना मतलब प्रेफर करती है, वो आज खुशी खुशी सूट पहन रही है, ऊपर से बोल रही है पिंक पहनना, ऊपर से बोल रही है तैयार होना। सिया तो ये देखे एकदम बौखला ही जाती है। तो गरिमा वॉशरूम में जाके चेंज करके आती है तो उसके ऊपर पिंक कलर भी बहुत जच रहा होता है। सिया जैसे उसको ऐसे ही रूप में देखती है तो बोलती है, दी मुझे तो ऐसा लग रहा है फाइनली आज मुझे अपनी बहन मिली है, नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा एक बड़ा भाई है। तो गरिमा सिया की तरफ देखती है और बोलती है, अब तो निकलेगी यहाँ से कि मैं तेरे को मार मार के भेजूँ। तो सिया बोलती है, नहीं दी अब बहुत प्रीटी लग रही हूँ मैं, मुझे तैयार होना ना, मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो जाने लगती है। तो मायरा की तरफ गरिमा देखती है तो गरिमा बोलती, गरिमा की तरफ देखिए मायरा बोलती, सच सच बोल, तुझे तो पिंक पसंद नहीं है, तू अपनी अपनी वाले के लिए पहन रहे ना? तो गरिमा बोलती है, हाँ यार उसको पिंक ही क्यों पसंद है? तो मायरा बोलती है कि उसको पिंक पसंद है तो उसको पहनने दे, तू क्यों पहन रही है? तो गरिमा बोलती, मुझे उसके साथ मैचिंग पहनना है ना यार, प्लीज़ मेरी हेल्प करना थोड़ा सा तैयार होने में। तो गरिमा की बात सुन के मायरा हंसने लगती है। तो गरिमा बोलती है, अब तुम भी मजाक मत उड़ाओ। तो मायरा बोलती है, नहीं नहीं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैंने तो सुना था प्यार में लोग खिलाफते करते हैं, पिंक 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 ना कौन सी बड़ी बात है, और वैसे भी तुम बहुत जच रही हो इस पिंक कलर में। तो गरिमा की तरफ, तो गरिमा एक कंघी उठाती है और मायरा के सर पे फेंकती है। तो बोलती है, आउच आउच ऐसे करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। तो मायरा को गरिमा बोलती है, सॉरी सॉरी बहन, प्लीज़ हेल्प कर दे मेरा। तो मायरा भी रेडी हो जाती है बट उसको पिंक पिंक बोल के बहुत चिढ़ा रही होती है और उसको तैयार करने लगती है। दूसरी तरफ प्रियंका भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है गरिमा की फैमिली और सबके साथ घूमने जाने के लिए। यार मतलब प्यार होने के बाद ना हमको ऐसी थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स होती है कि जो हमारे लिए स्पेशल उनको
को तो इम्प्रेस करूँ बट उसकी फैमिली को भी थोड़ी थोड़ी इम्प्रेस करूँ, ऐसा टाइप दिल में फील नहीं होता। खास करके तो टीनेज टाइम में होता ही है, मतलब जो टीनेज रोमांस किया है ना उनको अच्छे से पता होगा। तो गरिमा तो प्रियंका भी मतलब एक से पर एक ड्रेस निकालती है फेंकती है, एक निकालती है फेंकती है, और मतलब सोचती है क्या पहनूँ, ये पहनूँ कि ये पहनूँ, ऐसे बोल के पूरे बेड में कपड़ा फैला देती है और मतलब चूज़ करती है। और उसमें से एक प्यारा सा पिंक ड्रेस निकाल के एकदम तैयार होने लगती है, प्रियंका की मम्मी भी तैयार हो जाती है, और मतलब सब कोई ऐसे ही ना मतलब नेटवर्क के लिए निकल वो जो होता है नहीं उसमें निकलने घूमने जाने के लिए एकदम तैयार होते हैं गरिमा और प्रियंका की फैमिली दोनों रेडी हो जाते हैं और दोनों बस मिलने ही वाले होते हैं गरिमा और प्रियंका की मम्मी तो पहले ही बाहर निकल आते हैं घूमने जाने के लिए और मतलब सबको ऐसे एक एक करके निकल रहे होते, बट प्रियंका को टाइम लगता है और गरिमा को भी टाइम लगता है, इसलिए मायरा भी उसको सजाने के लिए थोड़ा थोड़ा उनको टाइम लगता है और वो दोनों ही नहीं निकले होते। और सजने सवरने के बाद गरिमा एकदम क्या ही बोले बहुत ज़्यादा केह डाल रही होती है और एकदम सुंदर सी लग रही होती है। सो के लिए इतना ही, देखते आगे की स्टोरी में क्या होता है। क्या गरिमा का ये न्यू न्यू लुक प्रियंका को पसंद आता है और जब गरिमा की फैमिली उसको ऐसे न्यू अवतार में देखते हैं मतलब क्या उनका रिएक्शन होता है। और जो ये जो पूरा दिन ऑल डे गरिमा और प्रियंका साथ रहने वाले हैं, गरिमा ने जो प्यारी प्यारी बातें सोच रखी है प्रियंका के साथ, देखते आगे जाके क्या होता है। सो आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू न्यू जुड़ रहे कृपया कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।